हे फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी कर्मा थ्योरी की। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि ठीक है, पिछले जन्म में हमने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन अब तो मैं बहुत अच्छे कर्म करती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं किसी को तंग नहीं करती, मैं किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे कर्म खराब क्यों चलते रहते हैं, मुसीबतें ख़त्म ही नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका था, वी डू गुड बाय इंचेस एंड ईविल बाय फुट। इंच माने 6 inches, माने छोटा स्केल, और ईविल बाय फुट, फुट माने दिस मच। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो अच्छा करते हैं वो इंचेस में करते हैं, और जो ईविल करते हैं वो फुट में करते हैं। फ्रेंड्स, चलो हम इसको असेस करते हैं कि सच है कि नहीं। हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में मान लीजिए आप 8 hours सोए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितने बचे? 16 घंटे। अब 16 घंटे में मान लीजिए 2 घंटे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने टीवी देखा, मैं सो ली, या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो मैंने कुछ अच्छा बुरा किया ही नहीं, कोई बात नहीं। कितने हुए? 14 घंटे। अब 14 घंटे में मैंने क्या किया? मैंने 2 घंटे पूजा पाठ भी किया, या किसी की जाके मैंने मदद की, तो ये तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब कितने बचे? 12 घंटे। 12 घंटे में मैंने क्या किया? चलो मान लीजिए 2 घंटे आपने और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की। 10 घंटे। 10 घंटे में हमने क्या किया? 10 घंटे में मैंने थोड़ी सी चुगली की, थोड़ी सी फ़ोन पे किसी के बारे में बात की, यार उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हम सारा दिन ऐसे ही करते हैं ना, ग्रजेस, कंप्लेनिंग, और फिर हम कहते हैं मैं तो बुरा कर्म करती ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, फिर मेरे मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही। फ्रेंड्स, जो कर्मा है वो हम 3 तरीके से बढ़ाते हैं, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। एक्शन और वर्ड्स तो हम कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को मारते नहीं हैं, लेकिन थॉट्स जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है, उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं, माई सिस्टर इन लॉ इज लाइक दिस, उसका क्या करें? वो भी हमारा कर्म बन रहा है, और जब हम उनको काउंट करेंगे देन इट विल अंडरस्टैंड हाउ वी डू गुड बाई इंचेस एंड ईविल बाई फुट। फ्रेंड्स, अगर मेरे घर में 100 कपड़े धोने वाले पड़े हैं और मुझे उनको ख़त्म करना है, और मैं 10 हर रोज़ नए और डाल देती हूँ, तो कभी वो ख़त्म होंगे? कभी भी नहीं होंगे। वो ख़त्म तभी होंगे जब मैं उन 100 को ख़त्म करूँगी और नए डालना उसमें बंद करूँगी। हर रोज़ 10-10 करके मैं उसको एक्स्ट्रा धोती रहूँगी तो मेरे कर्म ख़त्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अच्छे कर्म हमें ज़्यादा करने हैं और बुरे ख़त्म करने हैं, स्पेशली थॉट्स के, जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते और हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स नॉट डू गुड बाय इंचेस ईविल बाय फुट, लेट्स डू द रिवर्स। थैंक यू।